दोस्तों नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। और आज सीधी तस्वीर बाबा बद्री विशाल के धाम से, और भगवान बद्री विशाल का मंदिर इस समय अपने आप में बहुत अद्भुत दिखाई दे रहा है। रक्षाबंधन का पावन पर्व था और भगवान बद्री विशाल के धाम में इस समय अनेकों भागवत एक बार फिर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में भगवान बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगी फूल पत्तों से सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। और बद्रीनाथ धाम वैसे ही भगवान विष्णु को समर्पित है। और जो ये भादों का महीना आज से शुरू हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। और इस माह भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है भादों के महीने। अगर आप लोग भगवान श्री कृष्ण या फिर विष्णु का अवतार, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, तो इनकी पूजा अगर की जाए तो बहुत फायदेमंद होता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, परेशानी खत्म होती हैं। ऐसे में बद्री विशाल के धाम, जो भादों का महीना है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, माता मूर्ति बद्रीनाथ धाम में आने वाली है, भगवान बद्री विशाल अपनी माँ के मिलने जाएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे, बद्रीनाथ धाम का एक बहुत ही अद्भुत महत्व होता है। बद्रीनाथ धाम में जो भी पावन पर्व होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, बहुत अद्भुत रंग से मनाए जाते हैं, अद्भुत रूप इसका होता है। और यहाँ का महत्व तो अपने आप में बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ऐसे में श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो पूरे बद्रीनाथपुरी में बिल्कुल अद्भुत एहसास, हर कोई जय श्री कृष्ण, जय बद्री विशाल के जयकारे लगाता है और यहाँ पे पहुँचता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बद्रीनाथ धाम में बहुत ही विशेष परंपरा के अनुसार होता है। अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बद्रीनाथ पहुँचिए, क्योंकि ये सबसे बेहतर होता है। उस समय पे यहाँ पे अद्भुत दर्शन होते हैं। जो कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ मनाई जाती है वो शायद ही कहीं मनाई जाती हो। इतनी रौनक रहती है, इतने श्रद्धालु रहते हैं, इतना उत्साह रहता है, शायद आपने ना देखा हो। भले ही भीड़ आपको वृंदावन और इन जगहों पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन बद्रीनाथ धाम की जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है, बहुत अद्भुत। आप लोग भी कोशिश करें और भगवान बद्री विशाल का धाम देख सकते हैं, जहाँ दिन के उजाले में रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया है, वहीं रात के अंधेरे में, अब क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, भगवान विष्णु का ये सर्वश्रेष्ठ धाम है, भू वैकुंठ इसे कहते हैं, तो ये अपने आप में सजना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में रंग बिरंगे, मानो भगवान कुदरत ने इसका श्रृंगार कर दिया हो, ऐसी लाइटें इस पर मंदिर पे पड़ रही है कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कृष्ण जन्माष्टमी और माता मूर्ति का मेला आ रहा है। और अगर आप लोग बद्रीनाथ आना चाहते हैं, मौसम सुहाना हो गया है, तो ज़रूर आएं, क्योंकि जो भादों का महीना होता है भगवान विष्णु श्री कृष्ण को समर्पित होता है। और इस समय अगर बद्री विशाल के दर्शन आप कर लें, यहाँ का भोग खा लें, यहाँ का प्रसाद खा लें, जो सुबह भगवान को जो बाल भोग लगता है वो श्री कृष्ण भगवान को सबसे पसंद होता है, उसे अगर आप खा लें तो आप बहुत धन्य हो जाएंगे। जय बद्री विशाल।